हे गाइस व्हाट्स अप एंड वेलकम बैक टू गुरु एडिट चैनल। सो गाइस आज सीखेंगे वीडियो के अंदर कुछ इस तरह की स्ट्रेच रिसाइकल फोटो एडिटिंग करना, जो कि यार एडिटिंग आप लोगों के लिए बहुत ही इजी होने वाला है, क्योंकि हार्ड तो आपको प्रोसेस बताऊंगा नहीं, और यहां पे सारे जो इजी स्टेप रहेगा आप लोगों को एक एक चीज एक्सप्लेन करते हुए बताऊंगा। तो इसलिए वीडियो को स्किप मत करना, लास्ट तक वॉच करना, जिससे कि आप लोग जो है एक भी स्टेप मिस ना कर पाए। और हाँ गाइस, आप अभी तक मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करे हो तो फॉलो कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिससे आप लोग हैशटैग यूज करोगे #GuruEditor तो आप लोगों के लाइक भी काफी अच्छे आने के चांस रहेंगे। तो चलिए विदाउट एनी टाइम वेस्टिंग करते हैं वीडियो को स्टार्ट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइज, मैंने पिक्सआर्ट एप्लीकेशन में अपना जो नॉर्मल फोटो है ओपन कर लिया हूँ, और ओपन करने के बाद इसके ऊपर जो है हम सीखेंगे सबसे पहले स्ट्रेच वाला इफेक्ट देना। तो स्ट्रेच वाला इफेक्ट हम कैसे देंगे, चलेंगे यहाँ पर टूल्स का एक ऑप्शन मिलता है टूल्स वाले ऑप्शन पे, एंड यहाँ पर हमें मिल जाता है एक ऑप्शन स्ट्रेच का। तो स्ट्रेच वाले ऑप्शन पे आना है, और इसका गाइज हम बहुत ही कम यूज़ करते हैं, पिक्सआर्ट एप्लीकेशन में यूज़ भी करते हैं तो अपने हेयर्स के लिए यूज़ करते हैं। आज करेंगे गाइज यहाँ पर स्ट्रेच फोटो एडिटिंग के लिए, इसका पावर जो है हमें फुल कर देना 100% एंड साइज को भी फुल रखना है 100%। अब गाइस थोड़ा सा मैं जो है अपने फोटो को पहले जूम आउट कर लेता हूँ, जिससे कि पूरा हमारा फोटो अच्छे से दिखाई दे। अब इस तरीके से बॉडी को आपने खींचना है लेफ्ट एंड राइट, आपको यही खींचना है, ठीक है। हलवे टाइप आपको फोटो जो है बना देना है, बिल्कुल भी गाइस ऊपर नीचे मत करना, ठीक है गाइस। लेफ्ट एंड राइट सीधा सीधा खींचना, ठीक है। इस तरीके से आपको खींच के हलवे सा बना देना अपने फोटो। और गाइस हमारा जो फोटो देख सकते हो पूरी तरह से यहाँ पे हलवे की तरह बन चुका है हलवे की तरह बन चुका है, ठीक है। यहाँ पे सिंपल जो है आप डन करेंगे, आप डन करने के बाद गाइस ये हमारा पूरी तरह से एकदम स्ट्रेच वाला अभी तक इफेक्ट नहीं आया, जो कि सर्कल में हमने आपने जैसा फोटो में देखा था। तो आप उस तरह करने के लिए चलेंगे यहाँ पे इफेक्ट्स वाले ऑप्शन पे, एंड यहाँ पे गाइस आपको आने के बाद आपको एक मिलता है यहाँ पे डिस्टॉर्ट का ऑप्शन, ठीक है, लास्ट से सेकंड नंबर पे कलर्स के बगल में, ठीक है, ये देख सकते हो। इस पे आने के बाद हमें एक सेकंड नंबर पे ऑप्शन मिलता है, यहाँ पे पता नहीं क्या लिखा हुआ है, ये वाला ऑप्शन मिलता है, सेकंड नंबर वाला ऑप्शन आपको चूज करना है। एंड करने के बाद आपको इसका जो जूम है आपको देखना, अपने हिसाब से जो भी पार्ट चाहिए वही रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं जूम आउट करता हूँ पहले, एंड देखता हूँ यहाँ पे फिलहाल मैं इतना मीडियम में जो रखूंगा, क्योंकि मुझे ये पार्ट चाहिए, मेन पार्ट जो यही है हमारा स्टेज का, बाकी सारा बैकग्राउंड का, तो बैकग्राउंड का हमें नहीं चाहिए था। अपने बॉडी का गाइस यहाँ पे दो जो है हमने कर लिया है, एंड सिंपल ऐसे डन करेंगे। देख सकते हैं बिल्कुल हमारा सर्कल शेप में हमारा स्ट्रेच वाला इफेक्ट बन चुका है। अब बनने के बाद सिंपल यहाँ से जाऊँगा ड्रॉ टूल में, और इस इमेज को जो है कर लूँगा अब सेव। और सेव करने के बाद जो है अपने बैकग्राउंड को मैं ओपन करूँगा पिक्सआर्ट एप्लीकेशन में, ठीक है, उसके ऊपर जो हम अपने फोटो को एडिट करेंगे। फिलहाल तो मैंने एक व्हाइट बैकग्राउंड यहाँ पे ओपन करा है पिक्सआर्ट एप्लीकेशन में, जो कि इंस्टाग्राम के साइज में है, ठीक है। तो अब चलना है आपको ड्रॉ टूल में, अब ड्रॉ टूल में आने के बाद आपको गाइस ब्लैक कलर पहले से यहाँ पे सिलेक्ट हुआ मिलेगा, तो आपको ब्रश पे क्लिक करना है। अब ब्रश पे क्लिक करने के बाद इसका साइज ओपेसिटी वगैरह फुल रखना है, एंड इसका हार्डनेस आपको पूरा जीरो पे रखना है। अब इसको जीरो पे रखने के बाद इस तरीके से आउटलाइन आपको ड्रॉ करना है, एंड ड्रॉ करने के बाद चलेंगे यहाँ पे ट्रांसफॉर्म वाले ऑप्शन पे, एंड इसको जो हम ट्रांसफॉर्म करेंगे जूम। अब जूम करके गाइस पूरी तरह से इसको इस तरीके से हम सेट कर लेंगे नीचे के साइड में अपने बैकग्राउंड पे, एंड सिंपल यहाँ से डन कर लेंगे। अब डन करने के बाद आप देख सकते हो तो बैकग्राउंड जो है आधा आपका ब्लैक हो चुका है नीचे का पार्ट, एंड ऊपर का पार्ट व्हाइट है, तो काफ़ी अच्छा लुक आ चुका है हमारे बैकग्राउंड में। अब गाइस यहाँ पे जो है हम ऐड करेंगे अपने मॉडल को, जिसका हमने कटआउट पहले से यहाँ पे निकाल रखा है। आप लोगों को अगर फोटो का बैकग्राउंड इरेज करना ना आता होगा इस प्रॉपर, तो वीडियो का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, जाके चेक कर लेना इस वीडियो के बाद। तो यहाँ पे गाइस अपने मॉडल को जो है अपने बैकग्राउंड के ऊपर काफ़ी अच्छे से इस तरीके से पहले सेट कर लेना है, और सेट करने के बाद अब जो है बाहर क्लिक करेंगे कहीं पे, हम अभी डन नहीं करेंगे इसको। अब सिंपल चलेंगे ऐड फोटो पे। अब ऐड फोटो पे आने के बाद जो हमारे ये सर्कल वाला स्ट्रेच वाला इफेक्ट है, तो हमें इसे ऐड करना है। अभी गाइस ये हमारा पूरा सर्कल शेप में नहीं है, तो शेप बनाने में चलेंगे हम शेप वाले ऑप्शन में, एंड यहाँ पे हम सर्कल शेप सिलेक्ट करेंगे। अब गाइस यहाँ पे टू फिंगर से जो है आपको जूम करना है, वन फिंगर से मत करना, नहीं तो आपका गाइस यहाँ पे सर्कल शेप में गड़बड़ हो सकता है। तो अब इस तरीके से जूम आउट हो चुका है। अब गाइस इसका जो साइज है ना गाइस स्टॉक का, उसे आपको जीरो करके तब सेव करना है, क्योंकि हमें स्टॉक नहीं चाहिए।
सिर्फ हमारा जो इफेक्ट चाहिए। तो अब ये हमारा सर्कल शेप में बन चुका है काफ़ी अच्छे से। तो अब गाइज इसका जो ऑफसेट है गाइज यहाँ पे मैं थोड़ा सा कम करूँगा, जिससे कि हमारा जो पीछे का पार्ट है वो अच्छे से नज़र आए क्या है क्या नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से अपने फोटो के हिसाब से गाइज जितना आपका मॉडल का साइज़ है ना उतना ही आपको साइज में गाइज यहाँ पर इसे जो है सर्कल को शेप में बनाना है। ठीक है गाइज, आप भले छोटा का लेना सर्कल शेप थोड़ा सा गड़बड़ हो सकता है, बट यहाँ पे गाइज आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरीके से आप जो है सेट कर लेना अपने साइज के मुताबिक, अपने हाइट के मुताबिक। एंड यहाँ पे जो है आप सिंपल चलेंगे इरेजर पे, और इरेजर पे आने के बाद गाइज हम लेंगे इरेजर और यहाँ पे जो है ब्रश का हार्डनेस कम सॉरी पूरा रखेंगे 100%। एंड इस तरीके से जो है अपने पार्ट को आप इरेज करेंगे। गाइस साइड से ही आपको पार्ट को इरेज करना है, देखना बिल्कुल भी मिस्टेक नहीं होना चाहिए। तो अब गाइस यहाँ पे करेंगे क्या, इसको हम मूव डाउन कर देंगे जो कि हमारे फोटो के पीछे चली जाएगा, मॉडल के पीछे मतलब। ठीक है, अब इसका ऑपेसिटी हमने फुल कर दिया, तो देख सो तो हमारा स्टेज वाला इफेक्ट बढ़ चुका है, बट अभी हमारा पूरी तरह से असली नहीं लग रहा। तो गाइस हमें देख सकते हो यहाँ पे जैसे ऊपर में अपने बाल के पास देख रहे हो हेयर्स के पास वो थोड़ा सा निकला हुआ दिख रहा है, तो कोई नहीं उसे हम हेयर PNG से जो है अपने ढक सकते हैं। तो चलते हैं हम ऐड करते हैं अपनी एक हेयर PNG को, जो कि गाइज मेरा खुद का हेयर PNG है, तो आप लोग यूज़ कर सकते हो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप लोगों को फोटो का जो है बैकग्राउंड इरेज करते हो तो आपका हेयर जो है काफ़ी अच्छे से इरेज नहीं होते, तो ये वाला जो है PNG आप ऐड करके यूज़ कर सकते हो। तो इस तरीके से आपको लगाना है और कोशिश करना है जो पीछे वाला पार्ट है कटआउट का उसे हमें ढक लेना है इस तरीके से। फिर गई चलूँगा इरेजर में, और इरेजर में आने के बाद जहाँ पर भी मेरे हेयर्स PNG में नेगेटिव पार्ट आ रहे होंगे उनको जो है मैं इस तरीके से स्मूथली इरेज कर दूंगा। एंड इरेज करने के बाद सिंपल डन करूंगा, और डन करने के बाद देख सकते हो तो हमारा फोटो एडिटिंग यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है, बट यहाँ पर अभी भी हमारे फोटो के अंदर एक चीज़ की कमी है। बताओ क्या कमी है, नहीं बता पाए ना, यहाँ पे जो है शैडो की कमी है भाई। अपने फोटो में शैडो बनाना है, तो शैडो से ही जो है हमारे फोटो में एकदम रियलिस्टिक वाला लुक आता है। एंड शैडो गाइस हम हमेशा की तरह एडजस्टमेंट वाले टूल में ही आके बनाएंगे, जहाँ पर बहुत ही इजी हो जाता है शैडो बनाना। तो इस तरीके से आपको जो है शैडो बनाना है, और यहाँ पे गाइस हमें ब्लैक शैडो नहीं चाहिए बल्कि हमें व्हाइट शैडो चाहिए। तो व्हाइट हम कैसे करेंगे आप लोग देखिए, तो यहाँ पे व्हाइट शैडो करने के लिए अब इसका जो ब्राइटनेस है ना आपको फुल करना है। ठीक है, कम की बजाय आपको ज़्यादा करना है ब्राइटनेस, फिर आपका अपने आप ही व्हाइट हो जाएगा शैडो। एंड सिंपल यहाँ से डन करेंगे। अब जो आपका फोटो एडिटिंग हो चुका है, आप चाहो तो गाइस अपना कोई लोगो वगैरह हो तो उसे ऐड करके लगा लेना अपने फोटो में, काफ़ी ऑसम लगता है लोगो से। ठीक है, तो फिर आपका जो फोटो एडिटिंग यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। आप चाहो तो अपने फोटो को लाइटरूम में भी एडिट कर सकते हो, थोड़ा सा रिटचिंग दे सकते हो और भी अच्छा बन जाएगा। तो हमारा वीडियो यहीं तक था, तो आई होप कि आप लोगों को एडिटिंग सीखने में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहा है ये वीडियो, और आप लोगों को भी एडिटिंग बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा है। तो यार वीडियो को लाइक करना मत भूलना, और आप लोगों को भी ऐसी एक्साइटिंग और भी वीडियो देखनी है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना, जिससे कि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन जल्द से जल्द आप लोगों को मिल पाए। तो गाइस चलिए ऐसी किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलेंगे, जब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।